लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बेस्ट स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस आइडिया। यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हर एंगल से स्मॉल है। भरे बाजार में सिर्फ 4x4 फीट की दुकान चाहिए, शाम को सिर्फ 4 घंटे काम करना है और एक दिन में 4000 की कमाई हंसत मुस्कुराते हुए हो जाएगी। इस बिजनेस के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री और कोई डिप्लोमा भी नहीं चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकता है और 10वीं पास भी कर सकता है और 10वीं फेल भी कर सकता है। किस चीज का बिजनेस है, कहाँ पे करना है और कैसे करना है, ये सब कुछ बताएगा आपका भाई अमर इस वीडियो में। Official Amar 11 Fakes Video No Less। लोग जब मार्केट में जाते तो कुछ खाना पीना भी पसंद करते हैं। वैसे हम खाने की बात नहीं करेंगे, पीने की बात करेंगे। वैसे हम पीने की बात करें तो चाय की दुकान मार्केट में हर कोना से आगे चल के मिल ही जाती है नहीं। लेकिन भारत के ज्यादातर शहरों में सूप वाला सड़क पर नहीं मिलता। सूप पीना है तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। यदि चाय और कॉफी की तरह सड़क पर मिलने लगे तो लोगों को सस्ता पड़ेगा और आपकी मोटी कमाई हो जाएगी। 4x4 फीट का स्पेस काफी है, लेकिन भरे बाजार में होना चाहिए, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती हो वहीं कोई कॉर्नर मिलना चाहिए। तो आप सबसे पहले सोच रहे होंगे सूप कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है और इसकी मशीनें कहाँ मिलेंगी। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सब इंटरनेट पर मिल जाएंगे, सब उपलब्ध है। बस प्राइम लोकेशन का खेल है, कोई सोशल मीडिया पर मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। बस अपना कंटेनर लेकर खड़े हो जाए और गर्मा गर्म सूप पिलाएं लोगों को और पैसे कमाएं। स्टूडेंट के लिए भी यही एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। कुछ सालों पहले तक सूप बनाना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अब तो रेडीमेड पाउडर पैकेट आते हैं, इलेक्ट्रिक कंटेनर भी आता है। बस पैकेट पर लिखे हुए निर्देश का पालन करना है। लोकल स्वाद के हिसाब से कुछ और भी मिला सकते हैं। शाम को 4 घंटे का समय निकाला जा सकता है, इसके कारण पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। फूड प्रोडक्ट्स में महिलाएं हमेशा सफल होती हैं। दक्षिण भारत सहित देश के कई राज्यों में महिलाएं ही फूड बिजनेस कर लीड करती हैं। एक शानदार और स्टाइलिश स्टॉल कंटेनर से सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी इसे बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन काफी हाई रिटर्न मिलेगी। जैसे फूड चेन होती है, बिल्कुल वैसे ही सूप चेन बना सकते हैं। आपको अपने शहर के आधार पर एक साथ कई इलेक्ट्रिक कंटेनर खरीदने हैं। थोक में सूप का पाउडर एवं कच्चा सामान लेना है। आपका अपना ट्रस्ट बन जाएगा और यदि लोगों को पसंद आ गया तो यकीन मानिए इतना पैसा अपने नौकरी में नहीं कमाया होगा जितना सूप से कमा लेंगे। हर प्रकार से प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर इतना कम पैसा लगने वाला है कि उसके नुकसान को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। 2.5 रुपये की लागत वाला सूप का कप 1 कप 10 रुपये में बड़े आराम से बिक जाता है। रेस्टोरेंट में जो वो 100 का मिलता है, वही आप अगर 50 में देंगे तब भी आपको 30 का फायदा हो जाएगा। तो इस सूप बनाने का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक से बिजनेस वीडियो आपको मिलती रहेगी।